देना थैंक यू चाहूंगा। सर। और बात आती है कि आप बोल रहे हैं कि दुनिया की नंबर वन एकेडमी, या आप बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बस मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ से मतलब बहुत दोस्त लोग बहुत दूर दूर से आते हैं जी सर, और उनका सपना साकार होता है। तो मैं भी बस यही बोलता हूँ दोस्त लोगों को कि इन सबकी सफलता ही मेरा लक्ष्य है। एक गरीब का बेटा है, फौज में जाता है, मैं खुद जानता हूँ यहाँ पर कैसे कैसे बंदे आते हैं, स्थिति बहुत कमज़ोर होती है, और उनका बस यही बोलते हैं कि गुरुजी हमें फौजी बना दो, बस हमें कुछ भी नहीं करना, बस फौजी बना दो। और जब बंदा फौजी बन जाता है तो सर वो मंजर मुझ में देखता हूँ कि यार बंदा इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर कैसा लगता है, बहुत फील होता है, प्राउड फील होता है कि यार ये बंदे का सपना साकार हो गया। बस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल जाती है मुझे कि यार अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ कर आता है और बंदा सफल हो जाता है और मुझे बोलता है कि सर मैं फौजी बन गया हूँ, मतलब बस मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलती है मुझे। दोस्तों बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि देश की सेवा करना, इंडियन आर्मी में शामिल होना। और जो भी गरीब बच्चे हैं जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं दोस्तों, उनके ख्वाबों के पीछे हमारे सर माननीय श्री जितेंद्र सर की पूरी मेहनत होती है, जो बच्चों के साथ खुद लग कर उनकी उनके ख्वाबों को पूरा करने में उनका सहयोग देते हैं। दोस्तों बहुत बड़ा काम है और बहुत महान काम है। दोस्तों मेरी तरफ से सर को जय हिंद, लव यू बाबू, थैंक यू सर। सर आपका इंदौर फिजिकल एकेडमी, ये आर्मी फिजिकल एकेडमी का खोलने का सर आपके दिमाग में या आपके अंदर मनसा कैसे है कि मैं इंडियन आर्मी के लिए बच्चों को तैयारी करवाऊंगा या इंदौर फिजिकल एकेडमी खोलूंगा, जिससे देश जिससे नए युवा अभ्यर्थी जो गरीब हैं या जो भी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं वो इंडिया यहाँ आए तैयारी करें, तो सर ये चीज़ें आप सर कैसे स्टार्ट किए सर, आप जरा इसके बारे में बताइए। मैं सबसे पहले सभी भाइयों को बस यही बोलना चाहूँगा, कुछ भी काम करो कभी आप उसमें 100% दे रहे हैं और अपना मन लगाकर मेहनत कर रहे हो, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो आपका सपना जरूर साकार होगा। मैं हमेशा बोलता है आप सभी को कि रख हौसला, हो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, अरे थक कर ना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जैसे आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं और यूट्यूब पर भी आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने 3 बार भारतीय सेना का मेडिकल और फिजिकल क्लियर करा, आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि मेरा मेडिकल फिट हुआ, मेरा इंटरव्यू इसके बाद में मेरा रिटर्न टेस्ट फिट हुआ। अब थोड़ा सा कमी मेरी थी कि मैं इंटरव्यू से बाहर हो गया था, जिस हवलदार में इंटरव्यू से बाहर हो गया था, फिर मैंने खुद से सोचा कि यार मैं नहीं जा पाया तो यार ये जो मेरे पास एबिलिटी, मेरे पास ये योग्यता है, क्योंकि मैं तैयारी करवा रहा हूँ केवल इंडियन आर्मी की फिजिकली तैयारी करा रहा हूँ, और मैंने वहां पर 3 बार एक्सलेंट मारा है, मुझे पूरा अनुभव है कि बंदा को एक्सलेंट कैसे लगवाना है, बंदों को मेहनत कैसे करवाना है, वो चीज मुझे पता है। तो भाई लोग भी मुझे मोटिवेट करते हैं कि यार बोले यार आपने वहां पर तैयारी कैसे करी थी, किस तरह आप वहां पर दौड़े थे, तो ये चीज से मैं उनसे मोटिवेट हुआ और मालिक की दुआ आशीर्वाद से अपना खुद का यूट्यूब चैनल ओपन करा। इसके बाद में धीरे धीरे, कहते हैं ना कि हर कोई इंसान इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ जाता है, मतलब उसको मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, कहने का मतलब हर काम धीरे धीरे बढ़ता है और आप सोचो कि एकदम से बढ़ जाता जी, कुछ नहीं होता है। तो मैंने बाबू ये कम से कम 6 साल हो गए इस एकेडमी को, पहले दो एक एडमिशन आए थे, फिर 4-5 एडमिशन हुए, 2 में से 1 बंदे का सिलेक्शन हुआ, 4 में से 1 बंदों का सिलेक्शन हुआ, अब वही बंदा मुझे मोटिवेट करता है और धीरे 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 मैं अच्छे से मेहनत करवाता रहा और अब 100% रिजल्ट रहा। और बंदे यहाँ पर अदर अदर स्टेट से आते हैं और अपनी एकेडमी में गरीब बंदे आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, क्योंकि भारत का एकमात्र संस्थान इंदौर फिजिकल एकेडमी जिसे फौजियों की फैक्ट्री कहा जाता है, और सेकंड बात बहुत गरीब लोग आते हैं, जैसे कंडीशन रहती है ऐसे बच्चों को हमारे एक्सेप्ट कर लेते हैं और बंदा फौजी बन जाता है, दुनिया की खुशी मिलती है। बस कहते ना कि यार कुछ अच्छा करने में खुशी मिलती है, वो कहीं खुशी नहीं है, बस ये चीजें सब कुछ धीरे धीरे निरंतर प्रयास से होता है। भारत और भैया का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भैया सभी लोग लाइक करना वीडियो को, भैया भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लव यू, जय हिंद।